नमस्कार प्राइम शतक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब रुख करते हैं देश दुनिया से जुड़ी 100 खबरों पर। बंगाल में टीएमसी व कांग्रेस में गठबंधन की संभावना बनी, सोनिया गांधी को आमंत्रित करेंगी ममता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टेन स्वामी की तारीफ में की टिप्पणी ली वापस, एनआईए ने टिप्पणी पर जताई थी आपत्ति। रक्षा क्षेत्र में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि, हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश न्यू जनरेशन का हुआ सफल परीक्षण। चुनावों में धांधली पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी, बूथ कैप्चरिंग फर्जी वोटिंग में किसी प्रकार से सख्ती से निपटा जाए, ये कानून और लोकतंत्र के शासन को करता है प्रभावित। पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की मूर्ति के जरिए एंट्री करने चुनाव की तैयारी कर रहे बिहार के मंत्री मुकेश सहनी को लगा झटका, फूलन देवी की मूर्ति वाराणसी में की गई है जब्त। भारी बारिश और बाढ़ से कई जगहों में खराब हुए हालात, देश में कई जगहों पर पूरे सप्ताह होगी झमाझम बारिश। अमेजॉन पर फिर से बिकने वाला है चीनी कंपनी शीन का सामान, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, पिछले साल सरकार ने इस कंपनी पर बैन लगाया था। देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों में भारी अतिक्रमण, राज्यों को हटाने के निर्देश, 53,000 से अधिक तालाब नहीं है सिंचाई के लायक। सामुदायिक परियोजनाओं के लिए भारत और मालदीव्स में समझौता, दोनों देशों के रिश्तों में आएगी मजबूती। बांदीपोरा के शोक बाबा जंगल में हुई मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को किया ढेर। गैस सिलेंडर फटने से मध्य प्रदेश के 7 मजदूरों की हुई मौत, सीएम शिवराज ने किया मुआवजे का ऐलान। चीफ डॉक्टर गुलेरिया बोले टाली जा सकती है कोरोना की तीसरी लहर, कोरोना प्रोटोकॉल का सही ढंग से करना होगा पालन। हाईकोर्ट ने संजीव को दुमका से वापस धनबाद कारा लाने का दिया आदेश, झरिया विधायक को लगा झटका, संजीव सिंह पर अपने चचेरे भाई नीरज सिंह की हत्या का है आरोप। जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी सेक्टर में भारतीय सेना का एक जवान हुआ शहीद, श्रद्धांजलि देने वालों का लगा तांता। बंगाल चुनाव में तीसरी बार जीत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नजर अब दिल्ली पर, तृणमूल संसदीय दल की चुनी गई चेयरपर्सन। चंद्र मिश्र बोले अगर 13% ब्राह्मण और 23% दलित मिले तो यूपी में बनेगी बसपा सरकार। यूपी चुनाव में ओवैसी की शर्त, अखिलेश मुस्लिम को बनाए डिप्टी सीएम तो हो सकता है एसपी, एआईएमआईएम में गठबंधन। लाख के इनामी निलंबित आईपीएस पाटीदार पर एक और मुकदमा, 11 मार्च से चल रहे हैं फरार। आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप रोकेंगे साइबर अपराधों की चाल, ड्रोन हमले और हैकिंग पर लगाएंगे अंकुश। भतीजे ने चाचा का रेता गला, सिद्धार्थ से किया अलग, मौके से हुआ फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
विकास कार्यों में फर्जीवाड़ा होगा बंद। नगर निगम ने IITians की मदद से सॉफ्टवेयर किया तैयार। टेंडर से लेकर पेमेंट तक की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग। यूपी में सहकारी विकास बैंक के 6 शाखा प्रबंधक किए गए निलंबित। फील्ड अफसरों को दी गई कठोर चेतावनी। लखनऊ में लूट और स्नैचिंग करने वाले 3 लुटेरे किए गए गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज से किया गया ट्रेस। पुलिस ने लुटेरों के पास से वारदात प्रयुक्त बाइक की बरामद। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में उपासना स्थल अधिनियम पर हुई बहस। 30 जुलाई को अगली सुनवाई। कानपुर में 18 और चौराहों पर होगा ऑनलाइन चालान। जेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन बनाने के लिए यातायात विभाग ने नगर निगम को भेजा पत्र। बिजनौर में इंटरनेट हैकर गिरफ्तार। सरकारी सिम कार्ड इस्तेमाल कर सऊदी के लोगों की हिंदुस्तान वालों से कराना था बात। तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जागरूकता अभियान में दिखा असर। वैक्सीनेशन के लिए की जा रही अपील। मैनपुरी में 18 अनाथ बच्चों को मिला 4000 का चेक। बाल सेवा योजना के तहत बच्चों को मिली मदद। एसडीओ की दिखी दबंगाई। एसडीओ राजेश कुमार त्रिपाठी ने दी धमकी। सहारनपुर में डिप्टी सीएम ने दी करोड़ों की सौगात। तकनीकी खराबी के दौरान रद्द हुआ था दौरा। सोनभद्र में 1 दिवसीय शिविर का कलेक्ट्रेट हॉल में किया गया आयोजन। डीएम ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। शिविर में महिलाओं को किया गया जागरूक। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला नाबालिग का शव। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायबरेली जिले में कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त। दबंगों ने आशा बहू के साथ की जमकर मारपीट। गाजीपुर में रेल ई टिकट का अवैध कारोबारी किया गया गिरफ्तार। ओशियन एक्सटेंशन की मदद से करता था कारोबार। बाइक सवार को मारी टक्कर। मौके पर 2 लोगों की हुई मौत। 2 लोगों ने अस्पताल में तोड़ा दम। फतेहपुर में कोविड टीकाकरण कैंप का हुआ आयोजन। 500 लोगों का किया गया टीकाकरण। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग के खुली पोल। घायलों को ले जा रही एम्बुलेंस रास्ते में हुई खराब। लोगों ने धक्का मारकर एम्बुलेंस को किया स्टार्ट। आगरा में नकली शराब की फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में कोरोना काल ने तोड़ी स्टेशनरी व्यापारियों की कमर। स्टेशनरी व्यापारियों को हो रही काफी परेशानियां। परिस्थितियों में मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस आगे की जांच में जुटी।
दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट, खूनी संघर्ष के दौरान चली कई राउंड गोलियां। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर ने किया अर्दली रूप, विभूतिखंड सर्किल का किया अर्दली रूप, विभूतिखंड थानों में लंबित विवेचनाओं की समीक्षा। दबंगों ने किया जानलेवा हमला, जमकर बरसाई लाठियां, पीड़ित गंभीर रूप से हुआ घायल। आगरा में पुष्टाहार बांटने गई आंगनबाड़ियों के साथ धक्का मुक्की, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। मांग को लेकर युवाओं ने किया प्रदर्शन, जमीन को लेकर युवाओं की मांग, जमीनों पर पहला हक यहां के लोगों को मिले। लालकुआ में महिला पुलिसकर्मी के पति का शव हुआ बरामद, सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, पुलिस ने दिए जांच के आदेश। चमोली के अंगोठ गांव में हुआ भूस्खलन, भूस्खलन से दहशत में ग्रामीण, लगातार बढ़ रहा है झील का जलस्तर। विकासनगर में आशा कार्यकर्त्रियों ने किया प्रदर्शन, वेतनमान को लेकर कार्यकर्त्रियों ने की मांग, सीएम के नाम अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। चौकी प्रभारी को हटाए जाने के मामले में लोगों ने किया प्रदर्शन, चौकी प्रभारी को काम पर वापस बुलाने की मांग। मसूरी में पहाड़ों में बढ़ रही भू कानून की मांग, समाज सेवी के नेतृत्व में शुरू हुए नुक्कड़ नाटक से लोगों को किया गया जागरूक। दो शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, एक अभियुक्त इस दौरान मौके से हुआ फरार। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर की ताबड़तोड़ कार्रवाई, कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप, एक मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाइयां भी की गई बरामद। ग्वालियर में सभासदों ने अधिशासी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, बैठक न होने के चलते सभासदों में है नाराजगी, अधूरे कार्यों को जल्द शुरू कराने के दिए गए निर्देश। प्रवासियों का मसूरी में अवैध कब्जा, जिसको लेकर शासन प्रशासन है मौन, स्थानीय लोगों ने कोई कार्यवाही न होने पर जताई नाराजगी। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी किया गया गिरफ्तार, पिछले कई महीनों से नाबालिग का कर रहा था शोषण। रुड़की में शतचंडी महायज्ञ हुआ संपन्न, राज्यपाल ने भी पहुंचकर लिया आशीर्वाद। पौड़ी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, कहा जल्द पूरे होंगे अधूरे कार्य। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर चुनावी हलचल तेज, बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने कसी कमर। कांग्रेस संगठन में मिशन 2022 को लेकर की गई कवायद के बाद दो धड़ों में बटी कांग्रेस, हरीश रावत समेत कई नेताओं में नाराजगी। किसी भी तरह का दबाव नहीं बना पाएंगे नौकरशाह, सीएम धामी ने कसी नकेल, दी सख्त हिदायत। उत्तराखंड में थलीसेड़, ढंडेरा, लालपुर और गरुण में नगर पंचायत का दर्जा, नगर निकायों की संख्या बढ़कर हुई 94।
लगातार रोडवेज परिचालक हुआ बर्खास्त, नशे में धुत होकर यात्रियों को ले जा रहा था। उत्तराखंड में एक महीने में महसूस किया गया दूसरी बार भूकंप, उत्तरकाशी में आए भूकंप के झटके। तीरथ सिंह रावत का बड़ा बयान, कुंभ को सेकेंड वेव का कारण कहना राष्ट्र विरोधी। अफगान सरकार का आरोप, पाकिस्तान के इशारे पे हुआ स्पिन, बोलजक में सामूहिक नरसंहार। डेल्टा और गामा वेरिएंट का कहर, कुल 5,68,00,000 सामने आए नए मामले, 8,899 लोगों की हुई मौत। चीन के मुकाबले के लिए सीआईए में अब हो सकती है चीनी विशेषज्ञ की तैनाती, सीआईए के निदेशक विलियम बर्न्स ने दिए संकेत। तालिबान से जंग की तैयारी में तजाकिस्तान, इतिहास में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया। पेगासस जासूसी मामले में चौतरफा आलोचना के बीच एनएसओ समूह के दुरुपयोग और लाइसेंस प्रक्रिया के आरोपों की समीक्षा करेगा इसराइल। तालिबान कर रहा अमेरिकी सेना के सहयोगियों की हत्या, इंटरप्रेटर का सिर किया कलम। पूर्व राज नाइक की बेटी की बर्बर हत्या से सख्ते में पाकिस्तान, हत्या आरोपित की विदेश यात्रा पर रोक की अर्जी देगी पुलिस। वायरस का पता लगाने के लिए वुहान लैब का ऑडिट कराने से चीन का इनकार, डब्ल्यूएचओ ने मांगी दुनिया से मदद। तालिबान में 100 अफगानियों को उतारा मौत के घाट, घरों को लूट, मनाया जश्न। चढ़ी ग्लैमरस गैंगस्टर, वेनेजुएला की राजधानी में मचा रखा था आतंक, कई लोगों को मौत के घाट उतारा। बारिश से प्रभावित हुआ हेनान, आपातकालीन बचाव और आपदा राहत के लिए हेनान की मदद के लिए आगे आया चीन। कब्जे वाले कश्मीर में चुनावी मौसम, वोटिंग से पहले इमरान ने जनमत संग्रह का किया वादा। पीएमए ने 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए मॉडर्ना को दी मंजूरी, फाइजर के बाद अप्रूवल पाने वाली दूसरी वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों की बंद होगी सिम, सरकारी कर्मचारियों का रुकेगा वेतन। इमरान खान के फोन हैकिंग को लेकर यूएन पहुंचा पाकिस्तान, भारत पर लगाया जासूसी का आरोप। तालिबान का ऐलान, अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के सत्ता छोड़ने तक नहीं होगी शांति। सऊदी अरब में मिला बेबी लोन के अंतिम राजा का शिलालेख, 26 पंक्तियों में लिखा है खास संदेश। अधिकारियों ने देश के प्रमुख पत्रकार संघ को गैर कानूनी किया घोषित।
पाक रिश्तों पर फिर बोला अमेरिका, कहा द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने के लिए मिलकर काम करने की इस वक्त जरूरत। वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं फिर भी मास्क लगाना जरूरी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने WHO के सुझाव का किया समर्थन। एयरटेल गोजा को बड़ा झटका, AGR मामले में दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, कंपनियां AGR बकाया पर पुनर्गणना चाहती थी। रियल एस्टेट सेक्टर में आएगी बहार, 2030 तक पार करेगा 1,000 अरब डॉलर का आंकड़ा। फ्लिपकार्ट को लगा झटका, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला, दोनों ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ CCI जांच रहेगी जारी। माइक्रोसॉफ्ट जल्द स्थापित करेगा डाटा सेंटर, 2 अरब डॉलर का होगा निवेश। पीएम मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी को लेकर दी बड़ी चेतावनी, कहा आगे का रास्ता 1991 से ज्यादा चुनौतीपूर्ण। हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया, ओलंपिक गेम्स में ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच थी 8वीं भिड़ंत। गेम्स में तीरंदाजी के मिक्स इवेंट में दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची, क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी को कोरियाई जोड़ी से होगा सामना। श्रीलंका ने भारत को आखिरी वनडे में 3 विकेट से हराया, टीम इंडिया को 68 रन बनाने में 7 विकेट गंवाना पड़ा भारी। जल्द रखेंगे कोचिंग की दुनिया में कदम, शुरू करेंगे नया करियर। भुवनेश्वर कुमार को इंग्लैंड भेज सकती है BCCI, इंग्लैंड के खिलाफ वो खेलेंगे। भुवनेश्वर जेम्स एंडरसन की तरह महारथी हैं भुवनेश्वर। राजकुंद्रा के केस में शिल्पा शेट्टी को नहीं मिली राहत, एक्ट्रेस मुंबई पुलिस भेजेगी समन। हंगामा 2 OTT प्लेटफॉर्म पर हुई रिलीज, मिजान जाफरी बोले फिल्म के थिएटर में न आने से थोड़ा दुखी हूं। पवित्र रिश्ता 2 के नए मानव ने शेयर की स्टारी नाइट पेंटिंग, का भी सुशांत सिंह राजपूत ने बनाई थी ट्विटर पर कवर पे। बहन करीना कपूर खान के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगी करिश्मा कपूर, डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा ने शूटिंग के सेट से शेयर की तस्वीर। प्रोड्यूसर और फाइनेंसर सत्येंद्र त्यागी पर महिला के साथ अभद्रता और मारपीट का केस दर्ज, पहले रेमो पर भी लगा था 5 करोड़ लेने का आरोप। और इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।